नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, आज का अंतिम बार 10th के पार का जो सीरीज़ में मैं वीडियो डाल रही हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली हम बात करते हैं मैथ के बेसिक बच्चों की, तो मैंने सेक्शन ए पूरा कवर कर लिया है इसके अंदर। अब इसमें बेसिकली इसमें से MCQ भी वो निकाल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी निकाल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आई ट्राइड कि मैं आपको 100 ओके कंप्लीट मैंने 100 ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको सेक्शन ए क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि क्या क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। एंड इवन दो इन बिटवीन द एग्ज़ाम ऑल्सो मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस करती जाऊँगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। द डिस्टेंस पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज, दैट मीन्स कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है ओरिजिन से। अब ओरिजिन के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आपको दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पी पॉइंट है, ए पॉइंट है, एस पॉइंट हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 3.5 एंड बी 8.9 इज डैश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है किसका, वो पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट ए बी के साथ है। जैसे कि देखो बेटा, ये लाइन सेगमेंट ए बी 3.5 और 8.9, इसके बीच में एक समझो पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट हमें से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला रहता है बेटा, ये आएगा आपके सेक्शन फॉर्मूला की कैटेगरी में। आई होप अपने फॉर्मूला सारे रन कर लिए होंगे, नहीं किए हों तो मेरी पूरी एक वीडियो प्रिपेयर्ड है कंप्लीट फॉर्मूलाज की, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा उसको। तो सिंपल क्या करना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट को प्लस कर लेना है, तो 3 + 8 डिवाइड बाय 2 और 5 + 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब 3 + 8 क्या होगा, 11, 11 बाय 2, 9 + 5 कितना होगा, 14 बाय 2। अब 11 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका रहेगा 11 बाय 2, और ये 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा कॉमा 7, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल, आपको जब भी मिड पॉइंट बोले तो क्या करना है, पहले कॉमा के दोनों पहले वालों को प्लस के डिवाइड बाय 2 और कॉमा के बाद वालों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। सिंपल फॉर्मूला बनती है ना, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये वाली फॉर्मूला बनती है, तो उसमें लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0.7 एंड बी 0.-2 इज डैश। ठीक है, तो आपको ए बी में डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इनका। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला रहेगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ए है तो ए के जो पॉइंट्स हैं इसको मैं x1 और y1 मान लूँ, और बी के जो पॉइंट्स हैं उसको x2 और y2 मान लेती हूँ। ठीक है, दिमाग में मान लो इसको, तो x1 क्या है 0, -x2 क्या है 0, तो चलो ये तो 0 0 हो गया। y1 क्या है 7 माइनस की साइन, y2 क्या है -2 मतलब कि -2, ये हुआ स्क्वायर। ठीक है, देखो, सो ए बी इज इक्वल टू 0 - 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 - - प्लस, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब 0 तो हटा देना है, तो 9 = 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, 9 होगा। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 + tan² θ रूट में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है sec थीटा का। ठीक है, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² θ अंडर रूट। sin² θ + cos² θ अगेन ये आइडेंटिटी रहती है जिसका आंसर आता है 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे मैंने ये वाले दो क्वेश्चन कवर किए ना बेटा, ये वाले जो मैंने दो क्वेश्चन कवर किए, ये क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला वाला वीडियो जो है वो जरूर देखना होगा, तो उसमें आप फॉर्मूला सारे लर्न कर लोगे। तो बेसिकली आप देखो, 24 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स तो फॉर्मूला के बेसिस पर ही होते हैं, मतलब फॉर्मूला ही आपको पूछी जाती है, तो आपके वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए सिक्स क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2.3 एंड a.0 इज 3, देन फाइंड a। ओके, तो
समझो कि ये पॉइंट ए ले लेती हूँ मैं, ये पॉइंट बी ले लेती हूँ। समझाने के लिए आपको एग्जाम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक है, जैसे आप समझ लो इसको। तो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब कभी बच्चे बोलेंगे मैम एक्स हमारे स्कूल में एक्स टू माइनस एक्स वन लिखवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो ए के पॉइंट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले भी दिमाग में रख दिया कि भैया ये एक्स वन लूँगी, इसको वाई वन लूँगी और इसको एक्स टू लूँगी और इसको वाई टू ले लूँगी, ठीक है। तो एक्स वन क्या है यहाँ पर टू, माइनस एक्स टू क्या है ए, वाई वन क्या है थ्री और वाई टू क्या है ज़ीरो, सिंपल। ओके, अब देखो ये टू माइनस ए है, टू माइनस ए है मतलब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो अब ना एक्स की जगह पर ये क्या है, टू माइनस ए है ना, तो टू माइनस ए होल स्क्वायर में जो एक्स है उसकी जगह पर टू लगाती जाऊँगी और जो वाई है उसकी जगह पर ए लगाती जाऊँगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस टू, टू वाई की जगह पर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस ज़ीरो इज थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, सिंपल, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन लोगों ने बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज थ्री दिया हुआ, मतलब कि ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पे थ्री दी हुई है, तो साथ साथ में रखते जा रहे हैं हम लोग। टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू ज़ा फोर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस नाइन, और ये जो रूट है ना बेटा, ये रूट जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो उसको हम स्क्वायर में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए निकालना है तो कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो ये रूट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ये स्क्वायर हो गया। तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, नाइन, फोर माइनस फोर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस नाइन, नाइन नाइन कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपको करना होगा इसका स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो बेसिकली आप सोचो कि फोर किसकी टेबल में आता है, टू टू ज़ा फोर, ठीक है, फोर किसकी टेबल में आता है, टू टू ज़ा फोर, और टू प्लस टू फोर मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस प्लस माइनस टू ए प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए कॉमन निकालूंगी, ए माइनस टू, यहाँ पर भी टू कॉमन निकलेगा, ए माइनस टू, तो ए माइनस टू और ए माइनस टू दो बार आया, मतलब कि एक वैल्यू क्या आ गई, टू, एक की वैल्यू क्या आ गई, टू, ठीक है। लिटरली ये सम एक मार्क में ही पूछा गया था, आप ये मत मुझे कमेंट करना कि मैम इतना लंबा सम करवा रहे हो, इतना थोड़ी एक मार्क में आता है। एक टाइम पे एक बार बेसिक का पेपर टफ बनाया था, एक्चुअली स्टैंडर्ड के कंपेयर में बेसिक का पेपर टफ हुआ था, तब इस तरह का क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी चीज़ जो है आप इसको लाइटली मत लेना, नेवर एवर थिंक कि भाई हम तो बेसिक वाले हैं तो हमारा पेपर ईजी आएगा, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई बार बेसिक वालों का पेपर टफ आता है और स्टैंडर्ड वालों का काफ़ी इजी हो जाता है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। चलिए नेक्स्ट, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा ज़ीरो एंड ज़ीरो कॉमा थ्री आर द वर्टाइसिस ऑफ डैश ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के वर्टाइसिस है, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, राइट एंगल ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल। देखो अब ना इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग दिमाग लगाएंगे कि चलो भाई एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये ज़ीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस में तो कोई नंबर है नहीं, तो ठीक है मैं माइनस वाले लिख भी नहीं रही। एक क्या है थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। एक क्या है थ्री कॉमा ज़ीरो, थ्री मतलब कि यहाँ पर थ्री कॉमा ज़ीरो, और एक क्या है ज़ीरो कॉमा थ्री, ज़ीरो कॉमा थ्री मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करते तो हमें मिल जाता है ट्रायंगल, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इनको हम ज्वाइन करते तो हमें मिल जाता है ट्रायंगल। अब अगर आप देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो थ्री हुआ, ठीक है। अगेन ये वाला जो आप साइड ले रहे हो तो ये भी कितना है गैप, थ्री हुआ, ये दोनों थ्री हो गए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप आपको थ्री लग रहा है, नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है कैसा होगा वो तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करें। देखो अब लॉजिक समझो, ये जो है ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये भी तो बन ही रहा है, ये ट्रायंगल भी तो बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल को आप ध्यान दो तो ये थ्री सेंटीमीटर है, ये भी थ्री हो गया यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो
तो पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पर जो ये वैल्यू देगा वो देगा आप लोग आपको यहाँ पर 3√2। ठीक है, अब आप ये वाला ट्रायंगल जो हमारा मेन ट्रायंगल था उस पर आप ध्यान दो, तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है। तो जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा यहाँ पर बेटा खेल दिमाग का है। ठीक है, जितना आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगा उतना आप अच्छे से सेक्शन ए जो है वो कवर अप कर पाएंगे। नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6.2 टू एक्स एक्सिस इज डैश। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6.2 टू द एक्स एक्सिस। देखो, अब पहले आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट पॉइंट बता दूंगी। अब ये 6.2 मतलब यहाँ पर ये 6 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो ये वाला मैं पॉइंट अज्यूम कर लेती हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो 6.2 है। ठीक है, अब क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 6.2 टू द पॉइंट टू द एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है और ये दोनों सेम ही होंगे, है ना, तो ये कितना गैप है, 0 से लेकर कहाँ पे पहुँचे, 1, 2 पे पहुँचे, तो ये गैप कितना है, 2, मतलब कि ये गैप भी कितना होगा, 2, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लॉजिक ट्रिक, जो भी आप समझो। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको अगर एक्स एक्सिस पूछा गया है तो एक्स एक्सिस में हमेशा आंसर लिखोगे वाई एक्सिस का, 2, सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ -2 होता तो आंसर प्लस में आता, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, ओके नो प्रॉब्लम, आपका नंबर वही आएगा, आप माइनस साइन हटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5.3 टू द वाई एक्सिस। चलो अब सीधा वाई एक्सिस बोला है, मतलब कि कौन सी वाली दिखेंगे, एक्स वाली, मतलब कॉमा के पहले वाली, क्या है, -5, बट डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता तो मैं सिंबल क्या लिख दूंगी, 5, डिट्टो, कंप्लीट। ठीक है, ये हो गई आपकी एक मार्क यहाँ पे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द ओरिजिन एज सेंटर एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर्कल है, ओरिजिन उसका सेंटर है और एक सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज 8.15, तो इसका जो ये रेडियस है वो निकालो, है ना। अब ये रेडियस का मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना है देखा जाए तो। ठीक है, और ये क्या हो गया, 0.0, है ना, तो ये तो डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, और तो क्या करना है। तो बस अब डिस्टेंस के लिए मतलब कि रेडियस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट इज़ अ डिस्टेंस, x1 - x2 होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर 0 - 15 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब मैं ये डायरेक्टली कर सकती थी, मुझे आइडिया है कि इन लोगों का स्क्वायर करके प्लस कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आपको समझाने के लिए फिर से मैंने लिखा है, तो अगर आप इससे वो समझ गए तो एग्जाम में आप डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी नंबर लाइक ओरिजिन है तो नंबर का स्क्वायर करके प्लस करके उसका रूट ले लेना, दैट्स इट। तो 0 - 8 इज -8, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, ओके, सो 5 + 4 = 9, 6 + 2 = 8, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 17 का, तो इसका मतलब रेडियस कितना आ गया, 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 sin θ = 4 cos θ इज गिवन, तो फाइंड 10θ, बहुत ईजी है। देखो, 5 sin θ = 4 cos θ, मैं थीटा को, कॉस थीटा को यहाँ पे ले लूँ और नंबर को यहाँ पे ले लूँ, मतलब मैं नंबर यहाँ ले लेती हूँ और कॉस यहाँ पे ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, sin θ / cos θ = 4/5। चलो बच्चा बताओ, sin / cos क्या होता है, 10 होता है ना। ठीक है, तो इसके लिए 10θ = 4/5, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 + sin 10² θ और 1 - sin² θ। अब ऐसे देख कर बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, बाप रे क्या करें, फॉर्मूला, ठीक है, आइडेंटिटी आपकी लर्न होगी तो ये एक सेकंड में हो जाएगा, करूँ। 1 + tan² θ होता है sec² θ मल्टीप्लाई, 1 - sin² θ होता है cos² θ। ठीक है, अब sec क्या होता है, sec तो cos का ऑपोजिट होता है ना, तो sec² θ को मैं cos² θ 1/1 लिख दूँ और ये क्या है, cos² θ, कैंसल आउट, आंसर क्या बचा, 1, सिंपल। ठीक है, डन, चलिए नेक्स्ट, ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin 2θ and 2 sin θ is true। अब आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल लॉजिक है यार, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है।
साइन की ऐसी वैल्यू, ऐसी थीटा बोलो ठीक है, जिसमें दोनों का आंसर सेम है। तो इसको याद करना, याद कर लेना साइन ज़ीरो। आप खुद देखो यहाँ पे साइन टू थीटा की जगह मैंने ज़ीरो लगा दिया, इज इक्वल्स टू टू साइन ज़ीरो, थीटा की जगह मैंने ज़ीरो लगा दिया। टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ये साइन ज़ीरो हो गया। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। और टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो सेम आया। ठीक है, तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन होना तो सीधा आप यहाँ पे बी सेक्शन, बी मतलब जो भी आपका नंबर होगा, बट ज़ीरो डिग्री को आप उसको बता दोगे, तो थीटा इज़ नथिंग बट द ज़ीरो डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखी देने की, ईजी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने अभी भी बताया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, मल्टीप्लाई में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला होगी सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ही वाली फॉर्मूला। दूसरी फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको आइडेंटिटीज लर्न होगी, तो ये आपको करने की जरूरत है, यू कैन ईजिली अप्लाई दिस। अब सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, है ना, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी कट तो नहीं होगा, इनको इकट्ठे रख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, और स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर सिक्सटी इज इक्वल्स टू व्हाट? देखो साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर सिक्सटी, साइन स्क्वायर थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय टू, कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाय टू, दोनों का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। ओके, वन प्लस वन सेम डिनोमिनेटर है, तो सीधा कॉमन नंबर ही आ जाएगा, तो टू अपॉन फोर आंसर क्या आया? वन अपॉन टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थर्टी इज वॉट? देखो थर्टी, टू टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री, वन प्लस टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री स्क्वायर। ठीक है, अब कटिंग तो कुछ होगी नहीं, तो टू वन ज़ा टू, तो ये क्या हो जाएगा? टू अपॉन रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। ठीक है, सो टू अपॉन रूट थ्री अपॉन, एलसीएम ले लूँ तो थ्री वन ज़ा थ्री प्लस वन होल अपॉन थ्री, सो टू अपॉन रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री। ठीक है, सो टू अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन फोर। समझ में आया क्या किया? ये जो नंबर्स है ना, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो जब चार ऐसे ए बी सी डी होते हैं ना बेटा, तो हम क्या कर लेते हैं? ए अपॉन बी, और इसको मल्टीप्लाई, सब डिवाइड में है ना, तो इनको तो डिवाइड में रखते हैं, इनको मल्टीप्लाई में लेकर उल्टा कर लेते, तो डी अपॉन सी, तो थ्री ऊपर आ गया, फोर नीचे आ गया, इस तरीके से। टू वन ज़ा टू टू ज़ा, ठीक है, अब क्या करें? देखो ये जो रूट, ये जो थ्री है, हमें पता है ना कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है। ठीक है, ये तो बहुत लाइक नाइन्थ और एट्थ में सीखा था। तो ये जो थ्री है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अपॉन में क्या है? रूट थ्री, और यहाँ पे क्या है? टू, एक रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब ये आपका आंसर आया। ऑप्शन में सुनना भी ध्यान से, अगर ऑप्शन में आपके पास आता है ये आंसर आया तो ठीक है, टिक कर लोगे। कभी कभी ऐसा भी आता है साइन सिक्सटी, तो साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू होती है, बिंगो, उसको चेक, उसको आप टिक करके आना। या तो ऐसा भी आ सकता है कॉस थर्टी, कॉस थर्टी की भी रूट थ्री अपॉन टू होती है, मतलब कि आपको अगर एम सी क्यू में इसको पूछा जाता है तो आपके पास ऑप्शन या तो ये आ सकता है या ऐसे में कुछ ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना रूट थ्री की वैल्यू जो है आप उसको टिक करके आओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो चलो
अगर आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है तो मैं खुश हो जाऊंगी कि ठीक है चलो मेरे बच्चे खुद सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है तो पॉज द वीडियो और इस सम को भी आप खुद सॉल्व कीजिए। मीनवाइल मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप चेक कर लेना कि क्या है। चलिए, सो 2 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। ओके, 2 अपॉन रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ तक तो ये सेम स्टेप्स ही हैं, ठीक है, कुछ चेंज है नहीं। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन एलसीएम लूँ मैं तो 3 वन ज़ा 3, 3 माइनस 1 होल अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ये बड़ा वाला कर लेना, ठीक है। तो अब कर लें ऐसी ब्रोकल ए बी वाले में, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाई उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 अपॉन रूट 3। मैंने अभी बताया 3 को हम कैसे लिखते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3, तो √3 √3 कैंसिल आ गया, क्या बच गया 3 आया। तो अब इसका आंसर 3 भी है, इसका आंसर आप 1060 भी लिख सकते हो बिकॉज 1060 वाली 3 होती है, और इसका आंसर cot 30 भी आएगा क्योंकि cot 30 वाली 3 होती है। तो अगर आपको इसको नॉर्मल प्रिंट में पूछा गया है तो भी आप ठीक लिख सकते हो, MCQ में है तो भी आप कर सकते हो। अगर सॉल्व इन द वन जो आता है ना क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में, अगर वो पूछा गया है, अगर वो पूछा गया तो आप यहाँ पर इसको लिख कर कम्प्लीट, ठीक है, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो मैं आपको जस्ट एक टेक्निक बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि क्वेश्चन के अंदर ना फिर क्या ऑप्शन में आपको ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, समझो ए ऑप्शन 1060, बी ऑप्शन सेक 60, सी ऑप्शन साइन 60, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1060 वैल्यू √3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ओके, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, ये आइडेंटिटी है, तो 9 1 9, तो आंसर क्या आया 9, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, अच्छा देखो सेम क्वेश्चन आ गया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसके लिए PYQs जब मैंने लिए थे तो मैंने डायरेक्टली लिखती गई थी, तो दिस इज कंसिडर एज अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 -6 टू द वाई एक्सिस, चलो क्या है वाई एक्सिस आया है, वाई आया तो किस पे नज़र डालनी है, एक्स पे डालनी है। ओके, तो ये रहा एक्स, कॉमा के पहले वाले को एक्स बोलते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है -2 पर, मैंने कहा था डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता है, तो आंसर क्या आएगा 2, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट एम ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, अभी अभी हमने सॉल्व किया ऐसा कोई सम आ गई, तो यहाँ पे ए और बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है, इसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए की वैल्यू दी हुई है 2a-b, बी की वैल्यू दी हुई है b, 2a-b, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यूज निकालनी है तो निकाल देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, मैंने कहा था दोनों के x को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 2a-b प्लस बी डिवाइड बाय 2, फिर ये b प्लस 2a-b डिवाइड बाय 2, बात समझ में आई ना, ठीक है। ये जो है वो x1 है, ये y1 है, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला कहता है। तो x1 और x2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2, y1 और y2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 लिख दिया, ठीक है। अभी 2 2 यूँ कैंसिल मत करना भैया, जी सा अभी तो नहीं करोगे एटलीस्ट। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2a अपॉन 2, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, क्या बच गया 2a अपॉन 2, अब आप काटो ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, a, तो क्या बचेगा a, ठीक है। सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए a, डन। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m a b एंड o 0 0 इज डैश। अब देखो o 0 0 मतलब ओरिजिन, क्या बात कर रही है, ओरिजिन से ही करना है। अब हमने पहला क्वेश्चन ये किया था, है ना, पहला क्वेश्चन जो था, सॉरी, यही किया हम लोगों ने, यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ पे पॉइंट M आ गया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे XY था, यहाँ पे AB है, बस आपको यही लिखना है ना कि रूट के अंदर इनका स्क्वायर हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिन आया मतलब वही। चलिए नेक्स्ट, 1045 प्लस कॉट 45, 1045 की वैल्यू होती है बेटा 1, कॉट 45 की वैल्यू भी होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आया 2, सिंपल। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने अभी आपको इसका रूल बताया था, कहीं तो बताया, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था तो बस इसके लिए डायरेक्टली आंसर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट द कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी। sec स्क्वायर थीटा, अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डैश। देखो बेटा, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस की, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझना मेरी बात को। अब ये कह रहा है कि क्या चाहिए हमें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, sec को यहाँ पे ले लेते हैं और ये 1 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा, ये sec को यहाँ पे ले लिया तो माइनस sec स्क्वायर थीटा। अभी हमें थीटा की जगह a दिया हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेन देखो ना, टेन स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, आंसर क्या है, माइनस 1। अब बता, बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे ये गलती करेंगे, बच्चे 1 लिख के आ जाएंगे। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि बच्चों को स्कूल में बोला होगा कि बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, बच्चों ने लर्न कर लिया, आपने ही, ठीक है, आप ही तो बच्चे हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ लर्न कर ली। अब आपने लर्न तो कर ली, आपने यहाँ पे देखा, अब एग्जाम में इतना तो याद ही नहीं आता कि यार हमने तो लर्न किया था sec माइनस 10 और यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइनस sec। देखा कैसे कैसे एग्जाम वाले कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, ये है, ठीक है। ये एग्जाम का पर्पस होता है कि वो आपका माइंड चेक करना चाहते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है या खाली रट्टा मारा है। तो आपने स्कूल में ये रट्टा मार दिया, यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्शन पूछ लिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अरे अरे यार ये तो उल्टा है पूरा, है ना। आइडेंटिटीज़ में जो रेशियो है sec और 10 वो तो है, बट यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछा है, मतलब कि वैल्यू जो है वो भी उल्टी हो जाएगी, तो प्लस 1 की क्या हो जाएगी, माइनस 1। ओके, तो लॉजिकली ऐसा भी आंसर आ सकता है, आपको इसको सॉल्व नहीं भी करना है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। चलिए, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, सिंपल, ठीक है। नाउ गिवन सिग्मा एफ आई 100, ए 25, मी 25, फाइंड सिग्मा डी आई, ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। डी आई है ना, मतलब कि अज्यूमिंग मेथड, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार 25, ये 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है और ये हो गया 100, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ले लो, तो 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई अपॉन 100, सॉरी एफ आई डी आई, माइनस 25, 25 20 माइनस 0, 0 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन 100। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 100 इज 0, तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ट्री फैक्टर मेथड फाइंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपको निकालना है इसके अंदर, ठीक है, निकाल देते हैं। पहले वाई निकाले, क्या होता है, देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो वाई, ठीक है, तो वाई के लिए हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो नीचे नंबर है, 3 इंटू 7 कितना आया, 21, वाई 21 आ गया। एक्स के लिए आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब कि वाई इंटू 2, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। तो एक्स प्लस वाई निकालना है ना हमें, तो एक्स कितना आया, 42, वाई कितना आया, 21, प्लस कर दो तो कितना आएगा, 63, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज 0.45, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट, ओके, मतलब कि ए बार, अब ये तो सिंपल रूल है, ओके, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है 0.45 और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पी ए बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.45, इसको वहाँ पे ले लिया, माइनस में आ गया, सो पी ए बार इज इक्वल्स टू 1 में से 0.45 माइनस करो, अब 1 में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट लगा के हमने दो पीछे 0 लगा दिया, क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 1 कैरी, ये 9, यहाँ पे 1 कैरी, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, ठीक है, तो आंसर कितना आया, 0.55, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट. ठीक है, वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे काट के जाती है तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं ना. द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ अ कॉनिकल टॉप एट द बोथ एंड इज डैश. अच्छा देखो, ये सिलेंडर और इसके दोनों की तरफ कॉनिकल टॉप है ना, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बता दो. सो फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद अ कॉनिकल टॉप. अभी ये सिलेंडर, सिलेंडर का होता है 2πRh. ठीक है, एक ये कोण आया, ये कोण का क्या हो जाएगा यहाँ पर πRL, और ये कोण का क्या हो जाएगा यहाँ पे πRL. इन सब में पाई आर कॉमन निकाल दूं तो पाई आर कॉमन निकल गया इन सब के अंदर. ठीक है, अच्छा एक चलो पहले एक और चीज़ करते हैं. 2πRh प्लस πRL दो बार है तो 2πR लिख देते हैं, तो क्या 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो 2πR कॉमन निकल गया, क्या बच गया H प्लस L, ऑप्शन बी. ओके, अब एक इसमें ट्रिक बताऊं. अब ट्रिक तो देखो, आप ऑप्शन में देखो, हमें इतना तो क्लियर है ना, हमें इतना तो क्लियर है कि भाई कॉनिकल का सी ए से निकालने के लिए हमें L चाहिए होता है. अब इसमें L है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें तो H भी नहीं है, बोलो नहीं है. ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे L और H मिल रहा है. तो अगर आप इसको सॉल्व ना भी करो और ऑप्शन को ही जस्टिफाई कर लो ना, अगर आप ऑप्शन के अंदर ही चीज़ों को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई बी ऑप्शन भी एल तो इसमें दिख रहा है, किसी और में है ही नहीं. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ माइंड. इस तरीके से आपको सॉल्व करने, फिर आप मेरे को खुद बताओगे कि मैम हमारी गलतियाँ अभी सेक्शन ए में हो ही नहीं रही. जब डर जाते हो सेक्शन ए को लेकर, वो इसके लिए और कुछ है ही नहीं, सेक्शन ए ईजी रहता है क्योंकि सेक्शन ए में आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सवाल पूछते हैं. ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्टिव होते हैं, फॉर्मूला लगा दिया, ये कर लिया, हाँ चलो हो गया. यहाँ पे आपको समझने वाली बात आती है. चलिए नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, वो तो आसान है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. पाई इन्होंने ऑप्शन में दिया है तो इसके लिए मैं पाई क्यूब नहीं लगा रही, और रेडियस कितना है 3 क्यूब, 4/3 पाई. ओके, 3 को 3 बार लिख दूँ, एक बार कैंसिल हो गया, 3 3 9. अच्छा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ये. ठीक, तो हेमिस्फीयर में तो 2 आता है ना यहाँ पर, 2. ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 × 3 3 9 × π, 2 9 18 18π, ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला सिंपल, 1/3 πr² h. देखो मैंने कहा आपको फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आपके 10 क्वेश्चन तो खाली फॉर्मूला में ही निकल जाएंगे. ठीक है, तो 24 में से आपके पास 10 मार्क तो यूं ही इजीली गेन हो जाते हैं. नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स इज इन द रेशियो 3:4. ठीक है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के जो रेडियस हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है. तो स्फीयर है ना, ठीक है, क्या है ऑब्जेक्ट, स्फीयर. तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ 1 फर्स्ट स्फीयर के लिए, 4/3 πr³ 2 सेकंड स्फीयर के लिए. 4/3 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, r³³ / r² मतलब कि r₁/r²³ आ जाएगा. अब r₁/r² क्या है, 3/4, तो 3³ = 27 4³³ = 64 आंसर. ठीक है, तो वॉल्यूम v₁/v₂ ऑफ स्फीयर इज 27/64. नेक्स्ट क्वेश्चन, If the radius of a sphere is doubled, the ratio of the area of the new sphere to that of the original sphere is dash. क्या बोल रहा है, If the radius of a sphere is double, okay. Original radius को r ले लेते हैं,
तो न्यू रेडियस डबल है, मतलब कि 2r हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर टू द ओरिजिनल स्फीयर, ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ न्यू स्फीयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर निकालना है। स्फीयर का फॉर्मूला तो भैया 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस अलग अलग होगा बट ऑब्वियसली ये इसको आर डैश लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब, आर क्यूब आर डैश क्या है 2r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, अब ये हुआ आर क्यूब, 2 का क्यूब इज 8 और ये आर क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा 1/8, सो द रेशियो इज 1:8, सो द रेशियो इज 1:8, ठीक है। मतलब कि जो नया स्फीयर होगा वो ओरिजिनल स्फीयर से 8 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 cm, ओके। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³, 2/3 π के लिए लगा लेते हैं यहाँ पर, r³ r is 7, 2/3 22/7, 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, 7 7 कैंसिल, कुछ और कटिंग तो होगी नहीं, ठीक है। 2 2s are 20, 22s are 44, 7 7s are 49 होल अपॉन 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 44 into 49 2156 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 718.66, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू इज डैश टाइम्स ओरिजिनल स्फीयर। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पे हमें एरिया बोला गया था, ओके मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एरिया की जगह मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, तो चलो ये वाले क्वेश्चन में हम चेंज करके, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वॉल्यूम लिख देती हूँ, जल्दी जल्दी मैं गलती कर दी, शिट, वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह एरिया ले लेती हूँ, क्वेश्चन इज सेम है ना, खाली वो चीज़ का डिफरेंस था। तो चलो अब आपको क्लियर तो है कि ओरिजिनल रेडियस आर है, ओके, और जो न्यू रेडियस है आर डैश वो डबल हो जा रहा है, मतलब 2r, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, खाली वॉल्यूम का और उसका एरिया का डिफरेंस था। तो यहाँ पे भी एरिया निकाल देते हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² / 4πr² ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4π 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 कैंसिल, r² / r² ठीक है। तो r² का r² और r डैश की जगह 2r लगा दूँ तो r² / 2² 4 और ये हो गया r², ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/4, 1/4 कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम 8 गुना ज़्यादा था, 8 टाइम्स ज़्यादा था, हालांकि इन्होंने रेशियो पूछा था इसके लिए हम यहाँ पे 1:8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम्स पूछा है तो 4 टाइम्स, अगर यहाँ पे रेशियो पूछते तो क्या लिख देते 1:4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ TAC ऑफ 5 रुपी 5 कॉइन, देखो रुपी 5 कोई भी कॉइन हो ना बेटा, कोई भी कॉइन हो वो आपको शेप देगा सिलेंडर का, याद कर लेना, कोई भी कॉइन हो वो आपको शेप देगा सिलेंडर का, ठीक है। फिर 5 रुपी कॉइन बोले या 10 रुपी कॉइन बोले, तो TAC तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πrh + r, तो सिंपल यहाँ पे आपको TAC ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ही लिख देना है ना, दैट इज 2πrh + r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm इज डैश, सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का निकालना है, रेडियस कितना है 10 cm, तो वो हमने फॉर्मूला राइट नाउ देखी 4πr² 4π r की जगह पे 10
फोर बाय टेन का क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 4 × 100 इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जनरली यहाँ पे पाई किलो नहीं लगाएंगे, उसका रीज़न है कि हमें तब बोला जाता है जब, क्योंकि पाई क्या होता है 24/7 होता है ना, अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल होगा तो हमें दिया जाता है, क्योंकि वन मार्कर है। ठीक है, वैसे तो आपको सॉल्व करना होता है, ये वन मार्कर में आपको जनरली पाई के फॉर्म में दिया जाएगा अगर आपका रेडियस या वॉट एवर थिंग अगर 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो। चलिए, मैच द फॉलोइंग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, सी एस ऑफ सिलेंडर 2πr, दोनों सेम है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 0.1 cm इज मेड बाय मेल्टिंग 1 sphere ऑफ द रेडियस 1 cm। ठीक है, अब कह रहा है कि आपके पास 1 cm का स्फेयर है, इसको आप मेल्ट कर रहे हो, और मेल्ट करके आप ना छोटे छोटे से दूसरे बॉल्स बना रहे हो जिनका रेडियस जो है वो 0.1 cm है। तो ऐसे कितने बॉल्स बनेंगे, ऐसे कितने स्फेरिकल बॉल बनेंगे वो हमें निकालना है। देखो, इसको पूरा मेल्ट करके इसमें डाल रहे हैं अपन, मतलब कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल स्फीयर्स। ठीक है, जो अपने बन रहे हैं ना छोटे वाले, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, है ना। अब ये स्फीयर कैपिटल है ना, आई मीन बड़ा वाला स्फीयर है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख देती हूँ, और यहाँ पे 4/3 πr³ छोटा मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि कितने बॉल्स बनने हैं वो दिखना है ना, 4/3 πr³ कैंसल, इसी जगह है, हाँ रखिए, तो क्या बचा, r³ इज इक्वल्स टू एन इंटू r³। अब यहाँ पे जो कैपिटल स्फीयर था उसका r रेडियस 1 cm था, और जो स्मॉल था उसका रेडियस 1.3 cm था, 0.1 × 3। तो 1 = n × 0.1, को मैं 3 बार लिखूँ, 0.1 0.1 0.1, और इसका डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा, 1/10 1/10 1/10, यहाँ पे इक्वल्स टू 1, तो 1 = n × 1/1000 हो गया, तीनों जीरो, इसको यहाँ पे ले लो तो 1000, तो मतलब कितने स्फेरिकल्स बॉल बने बेटा, 1000 स्फेरिकल्स बॉल बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम न्यूमेरिकली, पेरीमीटर और एरिया सर्कल का सेम है तो फिर सर्कल का रेडियस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू सेम है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr² ठीक है ना, πr² पाई पाई निकल जाएगा यहाँ से, तो 2r = r², ये 1r और कट गया, तो क्या बच गया अपने पास, 2 = r, तो रेडियस कितना आया 2, दैट्स इट। मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो अपन कोई वैल्यू लगाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 cm इज डैश, ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, तो सेमी सर्कल के अंदर बेटा वो ट्रायंगल का एरिया बताओ, मतलब कितना मैक्सिमम एरिया होगा ट्रायंगल का जो सेमी सर्कल के अंदर रहेगा, और इसका रेडियस कितना है 8, ठीक है। अब बेटा देखो, पहली बात ये है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनता है मैक्सिमम, वो हमेशा होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है, तो हाईएस्ट जो रहेगा दैट कंटेन्स 90 डिग्री। अब अगर आप देखो 90 डिग्री में, तो ये तो हो गया भैया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री आ गया, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, तो मिला के कितना हो गया ये 16 cm। ओके, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेटा डायमीटर आ गया। अब आप देखिए कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम एरिया का फॉर्मूला क्या लेते हैं, 1/2 × बेस × हाइट, ये लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 × बेस × हाइट। अब बेस जो है वो हमारा 16, डायमीटर हो जाएगा,
और ये रहेगी हमारी हाइट। मैक्सिमम ट्रायंगल देखना है ना अपने को कितना एरिया होगा, तो ये हो गया हमारा हाइट। अभी हाइट आप देखो तो ये सेंटर से लेकर यहाँ पर है, मतलब ये रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, इज़ नथिंग बट द रेडियस, तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट द डायमीटर, तो वो क्या हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 × 8, 2 × 1 = 2, 8 × 16, 8 × 8 = 64 cm², ठीक है, समझ आया। अच्छा अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इन केस यहाँ पे देखना, इन केस अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सिर्फ सर्कल आता है, सेमी सर्कल नहीं आता, सिर्फ सर्कल आता है, ठीक है। तो सर्कल के लिए आपके पास देखो, सर्कल के लिए जो मैक्सिमम ट्रायंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद करना इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेमी सर्कल के लिए मैक्सिमम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सर्कल के लिए होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला देख लेना, 3√3a² / 4, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर ही 8 ले लेती हूँ, तो जो रेडियस आपको दिया जाएगा ना वो और कुछ नहीं है, ए स्क्वायर है। तो 3√3 8² / 4, सो 3√3 8² = 64/4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, तो आंसर क्या आएगा 48√3 cm². समझ आया बेटा, क्लियर हुआ। मैंने आपको दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कवर अप कर ली, क्योंकि मुझे याद है ये ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आगे कवर अप नहीं किया है, एंड जस्ट नो आई गॉट दिस कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो अगर सेमी सर्कल के लिए आता है तो चलो अभी आप ना शॉर्टली ये चीज़ समझ लो कि अगर सेमी सर्कल के लिए आएगा तो 1/2 × बेस × हाइट फॉर्मूला लगाओगे, जिसके अंदर बेस जो होगा वो डायमीटर होगा और हाइट जो होगा वो रेडियस होगा। इतना क्लियर हो गया, ये क्या करना है क्या नहीं, फिगर ड्रॉ करना है नहीं करना, ठीक है। आप सोच लो, आप इसको दिमाग में बिठा दो कि सेमी सर्कल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जिसका रेडियस सर्कल का आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर सर्कल के लिए पूछा जाता है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो आपको ये वाली फॉर्मूला लगानी है और इस हिसाब से निकालना है। एम आई क्लियर, श्योर ना? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × a, a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, तो क्या आया πr = 2 × a, ठीक है। इसको अभी यहीं पे ब्लॉक कर लेते हैं, आगे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो ब्लॉक कर लेते हैं। अब क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, इसका मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। देखो भी बेटा, पाई अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो r² / a² हुआ, r² / a² मतलब कि r और a का रिलेशन है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको r यहाँ पे नज़र आ रहा है, a यहाँ पर है, एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग a को यहाँ ले लेते हैं नीचे की तरफ r के, और पाई को यहाँ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा r/a = 2/π, r/a के लिए आगे 2/π बस रख दो यहाँ पर, ये पाई आ गया 2/π, दोनों पे स्क्वायर है तो इसके लिए होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। क्या हो जाएगा π × 2² = 4π² ये पाई और ये 2 कट गया, तो क्या हो बच्चा 4 ratio π, मतलब कि 4/π, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एरिया ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर देन द माइनर आर्क इज डैश। तो देखो बेटा, अगर हम सर्कल बनाते हैं और ये यहाँ पे हम ए और बी पॉइंट ले लेते हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो जब माइनर आर्क एंगल पे सेंटर पे एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तो पूछ रहा है, मतलब एक आर्क तो पूछ रहा है कि माइनर आर्क क्या होगा, तो ये माइनर आर्क इज नथिंग बट दिस वन इज, ठीक है, मतलब माइनर सेक्टर ही हुआ है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ / 360,
ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 90 अपॉन 360, 00 91 जा 94 जा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट। एट अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स एंगल डैश इज फॉर्म्ड बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एट अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के गैप में कितना एंगल क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कवर करेगा, मतलब कितना एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो समझो कि पहले 12 पे था, ठीक है, फिर यह 2 पे पहुँच गया, तो 10 मिनट का गैप आया, तो कितना एंगल उसने कवर किया वो हमें देखना है। देखो टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, सर्कल है इसके लिए, और जो बेसिकली अगर हम मिनट्स की बात करते हैं, टोटल मिनट्स कितने होते हैं, 60 मिनट। तो बेटा अगर 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर रहा है तो 10 मिनट्स में कितना कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 10 अपॉन 60, 00 कैंसिल, 61 जा 66 जा 36, कितना आया 60 डिग्री। ओके, तो एंगल है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल, ओके मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया कवर्ड बाय अ मिनट हैंड फ्रॉम 2 PM टू 11 PM। ठीक है, अगेन देखो 2 से 11 जाना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके 2 से, तो मतलब यहाँ से शुरू करके ये पूरा राउंड घूम के ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया, तो बट बेसिकली ये वाला पूरा पोर्शन, तो ये वाला, तो अब देखो कितने मिनट हो रहे हैं, 5 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कितने हो रहे हैं बेटा 45 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो 9 टोटल कितने हो गए 45 मिनट। अब हमने अभी भी जस्ट देखा कि 360 डिग्री अगर 60 मिनट्स में कवर होता है तो 45 मिनट्स में कितना डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 2 to 11 45 मिनट्स कवर हो जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 360 इंटू 45 अपॉन 60। ठीक है, 1 जा 6 जा, सो थीटा इज इक्वल्स टू 6, 5 जा 30, 3 कैरी, 6, 4 जा 24, ओके 24, 25, 26, 27, 270 आपके सामने है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ही बन रहा है, मैंने यू करके बनाया ना, तो डेट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो डिग्री कितना आया 270। अब हमें एरिया कवर करना है, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, पाया स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है, मिनट हैंड का लेंथ मतलब कि रेडियस दिया हुआ है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार, 270 अपॉन 360, 00 कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का टेबल, 9 का टेबल लग जाएगा, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, क्या बच गया बेटा ऊपर 11 बचा, 14 बचा और 3 बच गया। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 33 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है, जैसे ये पॉइंट हुई और ये पॉइंट हुई, ओके पी और क्यू, तो इस लाइन को अपन कहते हैं सीकेंट, क्या आ गया सीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 81 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड इज, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और उसमें से 81 मार्क्स स्कोर करना है। अब क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क का है,
तो 80 मार्क्स मेरे, अब जैसे इन्होंने बोला इन योर हैंड, तो भी आप एग्जाम देने बैठोगे आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो आपका पेपर कितने मार्क का है, 80 मार्क का है। 80 मार्क में से 81 मार्क्स लाना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इज जीरो, ठीक है, बिकॉज इट इज अनसर्टन या नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलिए क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज होगा। ओके अब यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं ओरिजिनल सर्कल और यहाँ पे लाइक न्यू सर्कल, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्कल का जो रेडियस है वो r ले लेते हैं, ठीक है, और जो न्यू सर्कल का रेडियस है वो क्या कह रहा है, ओरिजिनल सर्कल से 10% ज़्यादा है, तो ओरिजिनल सर्कल वो तो है ही है प्लस उसका 10% ज़्यादा है, तो r प्लस 10% मतलब कि 10/100 इंटू आर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा r/10, एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 10r + r/10 मतलब कि 11r/10, यह आया आपका न्यू सर्कल का रेडियस, ठीक है, इसको मैं r डैश ले लेती हूँ, न्यू सर्कल का रेडियस, तो ओरिजिनल सर्कल का r है, न्यू सर्कल का इतना है। अब एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया है π r², ओके, और इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर की जगह पे 11r/10 होल स्क्वायर, पाई 11 क्या है 121 आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 100, 10 क्या हो गया 100, ठीक है, ये आया न्यू। अब उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग एरिया ऑफ अ सर्कल बताओ, क्वेश्चन देख लो फिर से, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ अ सर्कल, सो नाउ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सर्कल, अब ये न्यू सर्कल क्योंकि उसमें ही तो ज़्यादा है, माइनस ओरिजिनल सर्कल मतलब एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ठीक है ना, तो न्यू सर्कल क्या है पाई 121r² / 100 और ओरिजिनल क्या है पाई r², तो पाई r² कॉमन निकाल दिया 121/100 - 1, ठीक है, तो पाई r² ये 121 - 100/100 एलसीएम लिया ना, कितना आ जाएगा 21/100 मतलब कितना ज़्यादा हो गया पाई r², ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 0.21 ज़्यादा, या तो आप बोल सकते हो 21% ज़्यादा, ठीक है, परसेंटेज पूछे तो वो भी आ जाएगा, नॉर्मल पूछा 0.21 वरना यूँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डन। चलिए हाँ बेटा, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म, nth टर्म का जनरल फॉर्मूला an = a + n - 1d, ठीक है, कह रहा है फाइंड d फॉर द ap, इसमें हमें d निकालना है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, a2 क्या है 0.6 मतलब -0.6, -a1 क्या है -1.2, -0.6 -+1.2 ±, तो 1.2 में से 0.6 जाएगा, कितना बचेगा 0.6, वैसे 12 में से 6 गए तो 6 बच गए वैसे ही है, तो कितना हो गया 0.6, ठीक है बेटा, तो ये आ गया डी। नेक्स्ट, इफ an = 2n - 3 फाइंड a10 निकालना है, देखो a10 के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा a+9d होगा, अब पहले मुझे a और d की ज़रूरत है, a इज़ द फर्स्ट टर्म, तो an 2n - 3, तो यहाँ पे a1 लगा दो मतलब कि n की जगह 1 लगा दो, 2n - 3 कितना आया -1, तो a जो आया वो -1 आया, a2 तो उसके लिए n2 लेना पड़ जाएगा, 2 × 2 = 4 - 3, 4 - 3 कितना आया 1, ठीक है, तो बेसिकली d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, a2 है 1 माइनस a1 है -1, 1 + 1 कितना आया 2, तो बस लगा देते हैं a10 = a+9d, a क्या आया अपना -1 +9d क्या आया 2 -1 + 18 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन टू APs द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दो AP होंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, मतलब दोनों AP का D जो है वो सेम है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ देयर 10th टर्म्स इज, समझो कि एक AP ये है
और दूसरा एपी ये है, एक कॉमन कैपिटल लिया एक वो लिया है छोटा, और दोनों के टेंथ टर्म का जो डी है, जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1 1 2 2 3 3 3। देन द कॉमन डिफरेंस फॉर दर 100 टर्म, तो उनके 100 टर्म का कितना होगा, सेम ही होगा ना, डिफरेंस तो सेम ही होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हालांकि टेक्स्ट में पूरा क्वेश्चन है बट ये एक बार पूछा गया है, तो इसके लिए हमें इसके अंदर बेसिकली एमसीक्यूज के तौर पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, टर्म कुछ भी लो, कॉमन डिफरेंस अगर पहले भी सेम है तो बाद में भी सेम ही होगा, फिर आप 100 टर्म लो या 1 लाख टर्म लो, कोई इशू नहीं है। तो इसका अंदर आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + 4y = 8 एंड x + 2y = 4 इज डैश। ओके, तो क्या है 2x + 4y = 8, तो इसके अंदर a1 2 आ गया, b1 4 आ गया, c1 8 आ गया, और दूसरा क्या है x + 2y = 4, a2 1 है, b2 2 है और c2 4 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। लगा देते हैं 2 upon 1, 4 upon 2, 8 upon 4। ये तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 2 1 2 2 यहाँ पे 4 1 4 2। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे 2 upon 1 मिला, यहाँ पे भी 2 upon 1, यहाँ पे भी 2 upon 1, तीनों सेम आए। तो तीनों जब सेम आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बी ऑप्शन। फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एलिमिनेट x फ्रॉम द इक्वेशन 3x + y = 7 एंड -x + 2y = 2, ये इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें से आपको x को एलिमिनेट करना है, डैश नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू द इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे x क्या है 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। ठीक है, सी ऑप्शन। फॉर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 2 = 0, द डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। देखो 3x² - 6x + 2 = 0 में ए की जगह 3, बी आ गया -6 और सी आ गया 2, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर किया ना ax² + bx + c से, तो d = b² - 4ac, -6² - 4, ए की जगह 3, सी की जगह 2, -6² = 36, क्या होगा 4 3 12, 12 2 24, कितना आया 16, तो डी कितना आया, सॉरी 12, तो डी कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट द इक्वेशन x/2 - y/3 = 1 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि ax + by + c, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम लोग। तो x/2 - y/3 = 1, LCM ले लो, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3x - 2y / ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 3 6 = 1, सो 3x - 2y = ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन वगैरह आए और ऐसा लिखे तो भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इसको अंदर ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से सी अंदर है, तो ये सी अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ax² + bx + c = 0 इफ़ b² - 4ac = 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स के नेचर क्या होते हैं, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, डैश क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो इक्वल रूट्स, अब इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो मतलब सब में निकालना पड़ जाएगा डी हमें, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये एक कॉलम, ये डी का दूसरा कॉलम, मतलब ये ए के लिए, बी के लिए, ये सी के लिए और ये डी के लिए, अगर इसमें पहले कुछ आ गया तो ठीक है, तो डी b² - 4ac, तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट में ये बी होता है, क्या है माइनस, ए की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 और सी की जगह पर 25। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस 4
25 is 100, आंसर 0 आया। अगर 0 आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, इन्होंने पूछा है नहीं होने चाहिए, तो ये तो होगा भाई। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, पेंसिल ले लो, हमारा मिक्स हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 4, माइनस 4 ए की जगह 1, सी क्या है 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 4 जा 16, ये भी 0 आया, तो यहाँ पर भी रूट्स इक्वल होने वाले हैं। थर्ड देख लेते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह माइनस 6, 4 ए की जगह 1, और ये आया 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, ये भी आ गया, तो मतलब कि साफ साफ ऑप्शन है कि डी है। चेकआउट कर लेते एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 15, ठीक है, 64 6 15 4 60 होता है, आंसर क्या आया 4, हाँ, तो यहाँ पे 0 नहीं आया, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश। अब देखो साफ साफ है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स का जितना पावर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, तो अब एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 2, तो आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि मैंने भी बताई थी आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये चीज़ याद करना। अभी बस हमें ये कंडीशन लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसके लिए ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो पूरा इस तरीके से आपको लिखना पड़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेकआउट करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या है, y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की जगह 1 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 इंटू y इज 2y माइनस ये हो गया 2 × 3 = 6, वाई स्क्वायर प्लस 2 × y 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y - 6, 2y 2y कैंसिल आउट हो गया, सेम है, ठीक है, क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस के अंदर आया तो प्लस 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे यस है, क्यों, क्योंकि हमें पूछा है क्वाड्रेटिक, पावर 2 मिलना चाहिए, पावर है 2 है पावर यहाँ पे, है ना, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाकी कुछ हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर y इज इक्वल्स टू पी ऑफ x राइट द नंबर ऑफ जीरोस। अभी तो बेटा किसी पे भी कट नहीं कर रहा, ये x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, तो जब ये x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है तो फिर 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0, एक भी नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल्स टू पी ऑफ x, देखो कहाँ पे काट रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे काटा, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज डैश, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, a की जगह 1, बी की जगह माइनस 4, सी की जगह 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, सी क्या है 3 अपॉन ए क्या है 1, तो आंसर क्या आया 3, ठीक है। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ ए बी सी डी गिवन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना, सॉरी क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है, देखो बहुत ईजी है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, 3, 3x cube प्लस 5x square प्लस c की जगह 7x प्लस d की जगह 11 इक्वल्स टू 0, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, फाइंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ठीक है, तो इसकी सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी अपॉन ए. ठीक है, नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द पी ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स बिलोंग्स टू आर इज. अब देखो यहाँ पावर टू है, नहीं है ना, पावर वन है. तो जब भी वेरिएबल के वो पावर वन आता है तो लीनियर में गिनते हैं, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है. तो ये क्या आ जाएगा, लाइन. याद करना इफ एक्स का पावर वन तो लाइन बनेगा या स्ट्रेट लाइन. अगर एक्स का पावर टू तो क्या बनेगा, पैराबोला. अगेन मैंने ये जो फॉर्मूला की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा ये डिस्कस किया था, तो इसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका आधा पेपर तो यूँ ही क्लियर हो जाएगा उसके अंदर से ही. चलिए नेक्स्ट, एच सी एफ ऑफ 17, 23, 29 इज. अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, तो कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, तो इसके लिए एच सी एफ क्या आएगा, वन. इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डज नॉट हैव एनी रियल जीरो देन द ग्राफ इज. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसके पास जीरो है ही नहीं, ठीक है, डज नॉट हैव एनी रियल जीरो, जीरो है ही नहीं, तो क्या होगा. अब देखो हमने अभी देखा, राइट नाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमने ये देखा कि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, जीरो, मतलब जीरो है ही नहीं. तो ये घुमा के उल्टा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये आपसे वही पूछ रहा है कि अगर पॉलीनोमियल है जिसका जीरो नहीं है तो वो ग्राफ में क्या होगा, तो वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. जस्ट नाउ वी सॉ द ग्राफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टचेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, गलत है. टचेस एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, ये भी गलत है. डज नॉट टच एक्स एक्सिस, ये सही है. ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, तो इसके लिए सी ऑप्शन. नेक्स्ट, एच सी एफ ऑफ 35 एंड 65 इज डैश. देखो 7 65 को नहीं काटता है, 5 दोनों का आ जाएगा, 13 में 35 नहीं होता तो 5 एच सी एफ इज साइड. ठीक है, सिंपल सा ही है, 5 से डिविजिबल, और तो क्या. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स हैज डैश जीरोस. मैंने कहा था पावर देखो, एक्स की पावर क्या है, 3, मैक्सिमम पावर 3 है, तो जीरोस भी कितने होंगे, 3, तो इसके लिए डी ऑप्शन, जितना पावर उतना एक्स का वैल्यू, मतलब उतने जीरोस. नेक्स्ट, द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स 7x माइनस 3 इज डैश. तो देखो 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, जीरो निकालना है ना, जीरो का मतलब ये है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 को यहाँ पे ले लो, तो 7x इज इक्वल टू 3, ये 7 को नीचे ले लो, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 है ये ऑप्शन, बी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट ना बच्चो, इफ एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 देन एल सी एम ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल. अगर एच सी एफ 18 है तो एल सी एम इनमें से कौन सा नहीं होगा, पॉसिबल है ही नहीं. देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये फॉर्मूला होता है. हमें एल सी एम क्या नहीं होगा वो निकालना है, तो चलो एल सी एम क्या होगा वो देख लेते हैं. तो एल सी एम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन एच सी एफ, ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन 18, एच सी एफ कितना है 18, मतलब कि ये वो नंबर होना चाहिए, ये वो नंबर होगा जो 18 से डिविजिबल होगा. इतना तो क्लियर हो गया. अब अपन को ये देखना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है. अब 36 डिविजिबल है, हाँ जी है, 2 की टेबल में 2 के हिसाब से आ जाता है. 72 डिविजिबल है, हाँ है, बिल्कुल है. 48 नहीं, 18 की टेबल में 48 नहीं आता है. ठीक है, कैलकुलेटर देख सकते हो आप, तो 18 की टेबल में 48 नहीं आता है, इसके लिए सी इज द ऑप्शन. ठीक है, तो नॉट पॉसिबल है, तो 48 पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, क्या कह रहे हैं, इफ एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज 8 एंड एल सी एम ऑफ ए एंड बी 64, ए इज ग्रेटर देन बी देन ए इज वॉट. तो देखो एच सी एफ इन टू एल सी एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी. एच सी एफ 8 है, एल सी एम 64 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी. अभी कह रहा है कि ए जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. अब यार देखो ये रहेगा हमारे पास, बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट ये तो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा ना. अब थोड़ा ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं. ऑप्शन में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा दिया हुआ है, 64, और यहाँ पे भी सबसे ग्रेटर नंबर क्या है, 64, मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से ए
64, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि ए और भी दिया ही नहीं हुआ तो आप किस तरीके से बोलोगे। और ये है हमारा, देखो प्राइम नंबर होता तो समझ लेते, बट ये कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब कि इस चीज़ को बहुत बहुत सारे इसके फैक्टर्स निकलेंगे, है ना, तो कौन सा ले सकते हैं। तो इसके लिए लॉजिकली ये बैठ जाता है कि ऑप्शन में चेकआउट कर लो, तो ऑप्शन में जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपके आंसर में है, तो हमें दिख रहा है वो एलसीएम 64। एलसीएम पता है, एलसीएम सबका मल्टीपल होता है, तो इसके लिए ए 64। नेक्स्ट, अगर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, देन इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या होगी। सो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू k, 5x की जगह पर 2 माइनस 3y की जगह पर 3 इज इक्वल्स टू k, 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट, पी ऑफ ए डॉट रेशियो पी नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 2:3, देन क्या हो जाएगा। देखो अब बेसिकली यहाँ पे देखें तो हम लगा देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो p ऑफ a इज़ नथिंग बट 2x और p ऑफ a बार इज़ 3x। हमें पता है p ऑफ a और p ऑफ a बार का प्लस होता है 1, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1, 5x इक्वल्स टू 1, तो x क्या आया 1/5। ठीक है, सो बेसिकली p ऑफ a पूछा है a बार, तो ए बार क्या है 3x, मतलब 3 इंटू 1/5, मतलब क्या हो जाएगा 3/5 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अब किसका प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, 2/3 आंसर आ सकता है, 1.5 15% और 0.5 1.5, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी उसकी उसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से आगे कभी नहीं जाएगा और नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, तो ये 1 से बाहर है, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 out of 80 मार्क्स इन योर मैथ एग्जाम। ठीक है, 80 out of 80 मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो है 1/81, सी ऑप्शन। बच्चे 1/80 लिख के आ जाएंगे, गलत। देखो पहली बात तो ये कि 0 मार्क्स भी तो आते ही हैं, तो अगर आप 0 से लेकर 80 की काउंटिंग करो तो आपको टोटल नंबर 81 मिलेंगे, और उस पर से आप स्कोर कर रहे हो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स नंबर, 80 का जो नंबर है वो आएगा तो एक ही बार ना, तो इसका मतलब कि 1/81 ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन फेब्रवरी मंथ ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर के फेब्रवरी मंथ में 5 मंडे हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो फेब्रवरी मंथ में टोटल होते हैं 28 डेज, है ना, 28 डेज मतलब कि क्या हो जाएंगे 4 हफ्ते, क्लियर हुआ, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, टोटल 28 दिन हैं, तो 4 वीक्स इसका मतलब कि 4 मंडेज तो क्लियर हैं ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर में 28 + 1 = 29 डेज होते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है, तो क्या चांस है कि ये एक दिन मंडे आ सकता है। टोटल डेज कितने हैं, टोटल कितने 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो क्या हो जाएगा 1/7, तो ऑप्शन आया सी, दैट्स इट। जितने का गैप आएगा उसके अपॉन में 7 लिख देने का, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 पैक कार्ड्स। अब रेड किंग, रेड 2 बार आता है, एक डायमंड में आता है रेड और एक हार्ट में आता है। अब एक राजा इसका, एक राजा इसका, मिला कितने आ गए 2 राजा, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो कटिंग कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 कैरी 26, तो आया 1/26, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इफ़ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में से एक लेटर चूज कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवल, टोटल वोवल्स कितने होते हैं 5, टोटल वोवल्स कितने होते हैं 5, और नंबर कितने हैं 26, तो 5/26 कटिंग तो होगी नहीं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 81 marks out of 80 marks पेपर इज़, ओके ये तो हमने पहले भी कर लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके 0। फॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, तो यू आई की फॉर्मूला क्या होती है, यू आई की फॉर्मूला होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, नेक्स्ट, जेड माइनस मीन मतलब मोड माइनस मीन इज इक्वल टू मीडियन डैश मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस मीन। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल्स टू 3 median - 2 x बार। ठीक है, अब यहाँ पे जेड के साथ क्या है,
एक्स बार माइनस में है तो दोनों तरफ मैं माइनस कर लेती हूँ, तो जेड माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार माइनस एक्स बार, तो ये 3 मीडियन माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 3 एक्स बार, तो 3 कॉमन निकाल दूँ तो m माइनस एक्स बार मतलब कि m माइनस एक्स बार और यहाँ पे z माइनस एक्स बार, तो क्या आया 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द क्लास साइज ऑफ 55 एंड 65 इज, क्लास साइज मतलब h का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 65 माइनस 55 क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट, फॉर एनी डेटा m 30 मतलब मीडियन 30 दिया हुआ है, मीन 20 दिया हुआ है, z निकालना है। जस्ट नाउ हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, मोड निकालना है 30 माइनस 2 20, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज़ एटमोस्ट डैश पैरेलल टेंजेंट्स, तो एक सर्कल के पास मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, डन। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी, पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे ओ क्यू आपको 12 दिया हो तो पी क्यू निकालना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, 144 इज इक्वल 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, सो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पर 144 में से 25 गया 9 3 1 1 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू कितना आ गया 119 का रूट। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फॉलोइंग, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर एच, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब कि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, देखो एक सर्कल है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 1/4 हिस्सा ये वाला, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, एक तो ये पोर्शन होगा, पूरे सर्कल को हम 2 पाई आर कहते हैं, और ये 1/4 हिस्सा मतलब डिवाइड बाय 4 कर लेंगे हम लोग, प्लस ये दो रेडियस ज्वाइंट हो जाएंगे 2 आर, तो 2 1 2 2 2, तो क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर, दिख रहा है कहीं पे पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर, ये रहा। नेक्स्ट, डैश इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिले, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आया जी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये रहा 8, ठीक है, इसका 7। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का लेंथ क्या होगा, देखो पूरा का पूरा अगर हम देखते हैं तो पूरा होता है 2 पाई आर, ठीक है, उसमें समझो माइनर आर्क का लेंथ, माइनर आर्क का लेंथ निकालते हैं हम लोग पाई आर थीटा अपॉन 180 से, तो मतलब माइनस कर लेंगे पूरे सर्कमफेरेंस में से ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे, और इसको हम निकालते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 से, तो ऑप्शन आपके पास ये रहा पाई आर थीटा अपॉन 180 ये वाला, तो क्या हो जाएगा 9th। टी ए सी ऑफ सिलेंडर 10, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन इफ टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन कंडीशन इज a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, तो दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें लाइंस कैसी हो जाती हैं, इसमें लाइंस हो जाती हैं पैरेलल लाइंस, ये कंडीशन उसका है पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PBA निकालना है, PBA देखो बेटा थ्योरम था, थ्योरम क्या था कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये बन गया, तो ये एक्चुअली बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलस ट्रायंगल। अब ये जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55। नेक्स्ट,
द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स अपॉन के अपॉन इक्वल्स टू के अपॉन एक्स आर डैश. देखो एक्स अपॉन के इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है. तो एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कट गया. तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, के. मतलब आंसर क्या आएगा, दोनों सेम के ए, ठीक है. नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 115 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एक्सटीरियर पॉइंट. ये दो रेडियस का एंगल कितना है 115, और ये हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये जहाँ मिल रहे हैं उसका एंगल निकालना है. तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये और इनका प्लस 180 होता है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 180 में से 115 माइनस कर दो, 576 कितना हो गया, 65. सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा और जो टेंजेंट्स को मिलाने के बाद एंगल बनता है, इनका प्लस हमेशा 180 होता है, ठीक है. नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ, मीडियन निकालना है. पहले जब ऐसे कुछ मीडियंस आते हैं ना, तो उसके लिए पहले हमें इसको अरेंज करना पता है इन द असेंडिंग फॉर्म, छोटे से बड़े में. तो चलो देख लेते हैं क्या है. देखो सबके पीछे यहाँ पे अगर देखो तीन डेसिमल के बाद तीन तीन है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे देख लेते हैं. एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं, एक दो ज़ीरो लगा देते हैं, एक दो ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है. तो अब देखो सबसे छोटा 50 हुआ, ये वाला 0.055, ये 0.050, तो 0.050, फिर 0.055, फिर 0.5 में आ जाओ, तो ये 500, फिर 505, फिर 550 अरेंज हो गया. अब इसका मिडल नंबर, मिडल नंबर मतलब कि बीच वाला देख लो, तो ये दो हटा दो, ये दो हटा दो, बीच में क्या आया 0.500, मतलब कि 0.50, जो अपना एग्जैक्टली डेड पॉइंट से लिखा है ना 0.50, वो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. इफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन वन डे क्रिकेट में सीरीज दिया हुआ है आपको, ये पूरा सीरीज में कितने कितने से विकेट्स लिए, देन व्हाट इज द मोड. मोड मतलब क्या होता है, मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेशन, मैक्सिमम रिपीटेशन. कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देखो तो 4 एक बार हुआ, दो बार हुआ, दैट्स इट. 5 एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तो आंसर क्या आया, 5. ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए द बेस्ट 100 क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए. सो आप भी इसको प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आई डिटरमाइन कि आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर लोगे. तो आप कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर किसी में आपको कोई डाउट आ जाता है कि मैम ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो आप कवर नहीं कर पाए हैं, आप पे कवर नहीं किया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. तो ऐसा हुआ तो मैं कुछ और बना दूंगी वीडियो में, और आपको वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगी. तो चलो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. डू शेयर द वीडियो एंड द चैनल विद योर फ्रेंड्स. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.